क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आ हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम ए 3 to 6. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल्स टर्न हुए हैं बाय द आ हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन इट बिगिंस फ्रॉम 3 एंड रीचेस 6. सो ओवर हियर वी हैव 3, 4, 5 एंड समवेयर ओवर हियर वी हैव 6. ठीक है, सो ये 3 से स्टार्ट करता है एंड इट कवर्स 1, 2, 3 एंड इट रीचेस 6. सो हियर इट मेक्स 1 राइट एंगल, क्योंकि मैंने कहा था जब 3 के डिस्टेंस पे हो देन इट मेक्स अ राइट एंगल. सो व्हेन द आ हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 3 to 6 इट टर्न्स थ्रू 1/4 रेवोल्यूशन विच मीन्स थ्रू 1 राइट एंगल. So just like I explained in question number 5, we have to find the number of right angles. Number of right angles find karne hai. Aur 360 degree mein, yani ki around the clock, we have 1, 2, 3 and 4 right angles. So hamesha aapko ek cheez yaad rakhni hai. Agar 1/4 of a revolution hai, that means 1 right angle. Theek hai, 90 degree. Agar 1/2 part of the revolution hai, that means 2 right angles. Theek hai. So yahan pe jab aap logo ko 1/4 bol rahe hai, iska matlab kya hai? 90 out of 360, right? 90 degree hoga out of 360. है ना. सो यहाँ पे ओके 360. सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, जीरोज गेट कैंसल्ड एंड 9 ones are 9 4s, तो इस तरह से हमें 1/4 मिला. अगर हम लोग 1/2 बोल रहे हैं, यानी कि अगर 12 से स्टार्ट करके 6 पे स्टॉप करेंगे, सो यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 पार्ट्स हैं. इस तरह से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स कवर कर रहा है, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स कवर कर रहा है. सो हम लोग इसको रेवोल्यूशन क्या बोलेंगे, 1/2 पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन. और ये कितने राइट एंगल्स के इक्वल होगा, 2 राइट एंगल्स के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है, यानी कि 2 पार्ट्स है, तो 90 + 90 यानी कि 180. 90 + 90, 2 पार्ट्स का मतलब क्या है, 180. और आउट ऑफ कितने में से टोटल, तो 360 होता है. सो यहाँ पे जीरोज गेट्स कैंसिल, 18 ones are and 18 2s, तो इस तरह से यहाँ पे वी हैव 1/2 यानी कि 2 राइट एंगल, राइट. 90 + 90 यानी कि 180, वी हैव 2 राइट एंगल्स. सो दिस वॉज हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स. तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, दैट इज़ वॉट आई वॉज एक्सप्लेनिंग. ये कुछ भी आप लोग को नहीं लिखना है, दिस वॉज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. सो हियर व्हेन द आ हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 3 to 6 इट टर्न्स थ्रू 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, है ना. जब यहाँ पे इस तरह से व्हेन आई बिगिन फ्रॉम 3 एंड ये कवर करके हियर वी हैव टिल 6. ठीक है, सो ये एक पार्ट है आउट ऑफ 4 पार्ट. सो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, एंड व्हाट डिड आई टेल यू, 1/4 मीन्स 1 राइट एंगल. ठीक है, और यहाँ पे इन सब क्वेश्चन नंबर बी वी आर आस्क्ड फॉर 2 to 8. सो व्हेन द आ हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 2 to 8, सो यहाँ पे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 और एंड कहाँ पे होगा, 8 पे. सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स इट मेक्स अ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल में कितने 90 डिग्रीज होते हैं, 290 डिग्रीज होते हैं. और स्पीकिंग ऑफ रेवोल्यूशन, अगर ये 1 रेवोल्यूशन है पूरा, सो ये आधा कवर कर रहा है, राइट. इट कवर्स हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन, विच मीन्स इट गोज थ्रू 2 राइट एंगल. सो इन ईदर वेज वी गेट द सेम आंसर, दैट इज 2 right angles. So here, when the hour hand of a clock goes from 2 to 8, it turns through 1/2 of a revolution, which means through 2 right angles. In the same way, you are asked for in the next question, sub-question C, 5 to 11 ke baare mein poocha hai. So 5 se start karenge and it will stop at 11. So again, we are getting a straight line. Theek hai, 5 se 11 pe kuch is tarah se straight line mil raha hai. So that means we have 2 right angles. Aise hi aapko sub-question D, E aur F solve karna hai. In the same way, draw the diagram to represent the R hands and then write the explanation in your notebook on your own. Question number 6, how many right angles do you make if you start facing A, south and turn clockwise to west?
In this question, we are asked about right angles. How many right angles we make if we start facing south? So over here we have south. South से start हुआ है and then we are making a turn clockwise to the west. So here 1/4 part of the revolution is completed. So if one starts facing south and then turns to west clockwise, one turns 1/4 of a revolution and makes one right angle. कितने right angles form करेंगे? One right angle. So in this question we have to tell how many right angles do you make if you start facing south and turn clockwise to west. So if one starts facing south and then turns clockwise to west, one turns through 1/4 of a revolution and makes one right angle. As I told you, 1/4 यानी कि one right angle. अगर कोई south से begin करता है और clockwise direction में if they go to west, यानी कि सिर्फ एक पार्ट कवर करता है आउट ऑफ फोर पार्ट्स, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन. और क्योंकि एक रेवोल्यूशन में चार राइट एंगल्स होते हैं, यानी कि अगर आप साउथ से स्टार्ट करो एंड इफ़ यू कंप्लीट कम बैक एट साउथ, देन यू कवर फोर राइट एंगल्स, राइट? सो यहाँ पे एक पार्ट ही कवर कर रहा है, यानी कि इट इज़ वन राइट एंगल. अगर दो पार्ट कवर करते तो इट वुड हैव बीन टू राइट एंगल्स. सो इन दिस वे यू हैव टू काउंट राइट एंगल्स. सिमिलरली फॉर द सेकेंड सब क्वेश्चन, यू आर आस्क्ड व्हेन वे हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक इफ यू स्टार्ट एट नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट. यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एंड ओवर हियर वी हैव द एग्जैक्ट ऑपोजिट, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? सो हियर वी हैव नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. So we are asked to begin at the north. कहाँ start करना है? North पे. And you have to go anti-clockwise to east. Clockwise जाना होता तो हम ऐसे ही चले जाते, लेकिन anti-clockwise जाना है यानी कि इस direction में जाना है, right? This is clockwise direction and like this it is anti-clockwise direction. So यहाँ पे 1, 2, 3 पार्ट्स हम कवर करेंगे, दैट इज 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. 1, 2, 3 पार्ट्स कवर कर रहे हैं, सो वी मेक 3 राइट एंगल्स. सो इफ वन स्टार्ट्स फेसिंग नॉर्थ एंड देन टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, वन टर्न्स थ्रू 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन एंड 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन मेक्स 3 right angles. So in this way you have to write the solution for remaining two sub-questions, sub-question C and sub-question D. In the same way आपकी notebook में आपको खुद से solve करना है and you have to draw diagram using scale and pencil only. Question number 7. Where will the hour hand of a clock stop if it starts A from 6 and turns through 1 right angle? So over here again we have a clock and we are asked that if the hour hand starts from 6, अगर 6 पे start कर रहा है hour hand और अगर एक right angle, ठीक है, moves through one right angle, that is it will cover 1, 2, and 3 unit distances. तो यहाँ पे कहाँ पे reach होगा? It will reach 9. Where will it reach? If it finishes one right angle, it will reach 9. So imagine कर लो ये right angle है यहाँ पे, it is not looking like a right angle because the figure is not proper, but here you can observe that when it covers 3 units of the numbers in the clock, then it finishes one right angle. तो कहाँ पे stop हुआ है a hand? It stops at 9. In this question, we are asked that where will the hour hand of a clock stop if it starts from 6 and turns through 1 right angle. एक right angle form कर रहा है और कहाँ से start हो रहा है? 6 से start हो रहा है, तो कहाँ stop होगा, कहाँ reach होगा? So यहाँ पे क्योंकि हमें 6 से start करना है, so like so the hour hand it starts from 6. और right angle के लिए हमें 1, 2, 3 parts cover करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे जब 3 पार्ट्स कवर करेंगे यानी व्हेन इट मेक्स वन राइट एंगल लाइक सो, देन इट रीचेस 9. वेयर विल इट रीच? इट रीचेस 9. सो इफ द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल, इट विल रीच 9. इन दिस वे यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स. अब 2 राइट एंगल्स का मतलब क्या है? 2 राइट एंगल्स मीन्स
लाइक दिस, दो राइट एंगल यानी कि 180 डिग्री यानी कि एक स्ट्रेट लाइन. सो यहाँ पे 8 से इट इज़ बिगिनिंग लाइक सो एंड इट इज़ रीचिंग, इट इज़ मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन. दो राइट एंगल का मतलब क्या है, इट इज़ मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन. सो वेयर इट इज़ स्टॉपिंग, इट विल रीच 2. इफ द आर हैंड ऑफ द क्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक राइट एंगल है और ये दूसरा राइट एंगल है. सो स्ट्रेट लाइन बनाएगा दो राइट एंगल मिला के एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, इट विल रीच 2. वेयर विल इट रीच, इट विल रीच 2. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन फॉर द रिमेनिंग 2 सब क्वेश्चंस, सब क्वेश्चन सी एंड सब क्वेश्चन डी. यू हैव टू राइट द सॉल्यूशंस इन द सेम वे, रिप्रेजेंट यूजिंग डायग्राम, ड्रॉ विद पेंसिल एंड आपको इस तरह से आपके सॉल्यूशंस लिखने हैं ऑन योर ओन इन योर नोटबुक. The next topic we are going to discuss is angles, acute, obtuse and reflex. Now previously we discussed about right angle and straight angle and obviously a complete angle. Right angles aise angles hote hain that has 90 degree, a complete angle has 360 degree and a straight angle has 180 degree. We all know these types of angles. Now next we are going to discuss about acute angle, obtuse angle and reflex angle. Try these. Question number 1. The hour hand of a clock moves from 12 to 5. Is the revolution of the hour hand more than one right angle? Now in this figure we can see the revolution of hour hand of a clock. Wo jo hai 12 se 5 par ja raha hai and we know that 1 2 3 is distance pe we have 90 degree. So if it begins from 12 and stops at 3, इस तरह से, then we have a 90 degree angle over here. अब यहाँ पर ये जो angle है 12 और 5 के साथ जो मिल के आवा हैंड बना रहा है, that is more than 90 degree. अगर इसको हम इस तरह से picturize करेंगे like this, so ये 90 degree angle है and this angle is more than 90 degree, right? So ये पूरा angle जो है ये more than 90 degree है. Next, in question number 2, we are asked, what does the angle made by our hand of a clock look like when it moves from 5 to 7? Is the angle moved more than one right angle? In this case, in this diagram, we can see that the distance traveled is 1 and 2. और यहाँ पे अगर 5 से लेके 8 तक हम travel करते हैं, यानी कि our hand जो है 5 से 8 पर होता है, then it is a 90 degree, that is right angle. लेकिन यहाँ पे since it is 5 to 7, then it is less than right angle. Again we can look into this like this. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है. अगर इस तरह यहाँ पे 8 इस तरह से होता like so, then it would have been a 90 degree angle, right? But over here this is टिल हियर, यानी कि सिर्फ इतना ही हमारा एंगल है. ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, द एंगल. सो यहाँ पे ये जो है इतना ही हमारा एंगल है विच इज़ लेस देन 90 डिग्री. सो 90 डिग्री एंगल, दैट इज़ राइट एंगल को ध्यान में रखते हुए, वी कैन कंसिडर एंगल्स विच आर मोर देन 90 डिग्री एंड एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री. तो सबसे पहले स्पीकिंग ऑफ एंगल्स विच आर लेस देन, दैट इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल. An angle smaller than a right angle is called an acute angle. These are acute angles. So rooftop, seesaw और opening book में जो angles बनते हैं, here we can observe that ये जो angle है ये 90 degree से छोटा है, that is smaller है. So ऐसे angles को हम acute angle बोलेंगे. तो ये ऐसे shape में हो सकता है, ऐसे shape में हो सकता है, it can also be in this shape. अगर इस shape में है तो कैसे पता चलेगा कौन सा type का angle है? तो ये पार्ट को बेस समझ लेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ये 90 डिग्री जो है उससे ये एंगल लेस है, देन दैट मीन्स दिस इज एन अक्यूट एंगल. ठीक है, व्हाट इज द नेम, अक्यूट एंगल. अक्यूट एंगल्स आर ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड दे आर लेस देन 90 डिग्री. ठीक है, अक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो 0 डिग्री से ग्रेटर होते हैं एंड 90 डिग्री से दे आर लेस. सो एज आई वॉज टेलिंग, इट कैन बी इन एनी शेप, ऐसे भी शेप में हो सकता है, कोई भी शेप में हो सकता है. ठीक है, सो वन कंडीशन इज दैट कि अक्यूट एंगल्स जो है दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री.
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंगल विच आर लार्जर देन अ राइट एंगल. ठीक है, ओवर हियर इफ एन एंगल इज लार्जर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल. दीज आर ऑब्ट्यूस एंगल. यहाँ पे ये जो हाउस है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड बुक रीडिंग डेस्क जो है इस तरह से, हियर द एंगल्स फॉर्म्ड अ ऑब्ट्यूस एंगल. एंड ओवर हियर यहाँ पे ये जो डायग्राम है क्लॉक का, यहाँ पे भी जो हमने एंगल देखा था, दिस एंगल इज ऑल्सो एन ऑब्ट्यूस एंगल. दैट मीन्स दिस एंगल इज मोर देन 90 degrees. ये 90 degrees से ग्रेटर है, बट दैट इज नॉट द ओनली कंडीशन. ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस है, लार्जर देन अ राइट एंगल बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल. अगर सिंपली लार्जर देन अ राइट एंगल बोलेंगे सो वी कैन ड्रॉ एन एंगल लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे वी हैव 90 degree एंगल और ये लार्जर देन अ राइट एंगल हुआ. ऑन द अदर हैंड अगर इस तरह से कोई एंगल है लाइक दिस, देन दिस इज ऑल्सो मोर देन 90 degree. ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल जो है दैट इज ओनली फ्रॉम 90 to 180. 90 degree से जो है वो ग्रेटर होगा, लेकिन 180 degree से इट विल बी लेस. यानी कि अगर कोई एंगल 190 या फिर 200 degree का कोई एंगल है, देन दिस एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस एंगल. तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? ऐसे एंगल का कुछ तो नेम होगा. सच एंगल्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर दैन अ स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 से ग्रेटर ही होगा. सो हियर इन फिगर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है दैट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. सो वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस एंगल. एज आई टोल्ड यू दिस कर्व रिप्रेजेंट एंगल्स. सो अगर आपको इस तरह से एक फिगर गिवन है लाइक सो, और अगर आपको यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे इस तरह का सिंबल है, यहाँ पे ये कर्व है, देन ये एंगल अक्यूट एंगल नहीं है. ये एंगल कैसा एंगल है? दिस इज एन रिफ्लेक्स एंगल. ऑन द अदर हैंड अगर इस तरह से एंगल का सिंबल गिवन है, देन इसका मतलब क्या है? दिस एंगल इज अ अक्यूट एंगल. ठीक है, सो यहाँ पे दिस वॉज अबाउट एंगल्स. वंस अगेन, acute angle is smaller than right angle. That is, an angle smaller than a right angle is called an acute angle. Next, if an angle is larger than a right angle but less than a straight angle, it is called an obtuse angle. So as I was telling, ये जो less than straight angle की requirement क्यों आई, इस तरह से हमारे पास straight angle है. ठीक है, over here we have a straight angle. This is of 180 degree. अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अगर इस तरह से कोई एंगल है ये पूरा, सो ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, ये रिफ्लेक्स एंगल है. इसीलिए वी हैव दिस प्रॉपर्टी दैट ये जो है राइट एंगल से बड़ा होना चाहिए, बट इट शुड बी लेस देन अ स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 degree से लेस. एंड द थर्ड टाइप दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर दैन अ स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 degree से ग्रेटर देन होगा. 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये सारे एंगल्स अक्यूट एंगल्स हैं. 100, 110, 130, 140 ये सारे एंगल्स जो है दीज आर ऑब्ट्यूस एंगल. और 200, 230, 260 ऑल दीज कम अंडर रिफ्लेक्स एंगल. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग. सो इस क्वेश्चन में हमें मैच करने हैं राइट आंसर्स के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्ट्रेट एंगल. नाउ इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको मैच करता है? अब यहाँ पे स्ट्रेट एंगल जो है ये लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन नहीं होता. इट इज़ नॉट मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. स्ट्रेट एंगल इज हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. दैट्स करेक्ट. यहाँ पे जो स्ट्रेट एंगल है वो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन के इक्वल होता है. 1 revolution is equal to 360 degree. अगर इसका हाफ करेंगे वी गेट 180 degree. दैट इज अ स्ट्रेट एंगल. सो 1 मैचेस विद सी. नेक्स्ट वी हैव राइट एंगल. और यहाँ पे हमने देखा था 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. राइट एंगल जो है अगर इस तरह से हमारे पास 4 parts है, अगर 360 के हम 4 parts करेंगे, सो हर एक पार्ट जो है दैट इज अ राइट एंगल. सो यहाँ पे 1/4 मीन्स
चार पार्ट्स में से एक. सो यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री होता है, यानी कि राइट एंगल होता है. सो हियर दिस मैचेस विद डी, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. नेक्स्ट वी हैव अक्यूट एंगल. नाउ अक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स इट इज लेस देन 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट इट इज लेस देन 180 डिग्री. है ना, व्हाट डिड आई से, 90 डिग्री से ग्रेटर बट इट इज लेस देन 180 डिग्री. राइट, सो यहाँ पे 90 और 180 के बीच में है. 90 को हम क्या कह सकते हैं, 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन हम लोग 180 को कह सकते हैं. राइट, सो यहाँ पे अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो है दैट लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन. ऑब्ट्यूस एंगल लाइज बिटवीन 1/4 एंड 1/2 पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन. सो 4 गोज विद ई. नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल. नाउ दिस इज मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन. हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन 180 से जो एंगल बड़ा होता है वो एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. राइट, सो यहाँ पे कोई एंगल है, सो इसका ये जो एंगल है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. सो हियर रिफ्लेक्स एंगल गोज विद मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, दैट इज बी. क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, अक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स. अब यहाँ पे ये जो हमें एंगल्स गिवन है उनको हमें क्लासिफाई करना है एज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल ए जो है, अगर हम इसको बेस कंसिडर करें एंड इफ़ वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक सो, देन वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज लेस देन 90 डिग्री. एंड वी नो दैट इफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, देन दैट एंगल इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल. सो दिस इज एन अक्यूट एंगल. नेक्स्ट बी, हियर अगेन इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक सो, देन ये 90 डिग्री से ये एंगल ग्रेटर है, लॉन्गर है. सो यहाँ पे ये जो एंगल है एंगल बी, इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल. एन ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एंड हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट ये जो है 180 डिग्री से लेस है, स्ट्रेट एंगल से लेस है, देयरफॉर दिस इज एन ऑब्ट्यूस एंगल. नेक्स्ट ओवर हियर वी हैव एन एंगल विच इज़ हाफ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये जो इस तरह से शेप फॉर्म हो रहा है, अगर हम इसको बेस कंसिडर करें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, सो ये लाइन्स कोइंसाइड हो रही है, दैट मीन्स दिस एंगल इज अ राइट एंगल. नेक्स्ट ये देखने से ही हमें पता चल रहा है ये जो एंगल है इसके आउटसाइड में एंगल का मार्क दिया हुआ है, सो दिस एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल बिकॉज इट इज मोर देन अ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, सो दिस एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया हुआ ना, इस तरह से स्ट्रेट लाइन है और एक एंगल ड्रॉ किया हुआ है, एंगल का मार्क है, सो दिस इज अ स्ट्रेट एंगल. दिस ई एंगल ई इज अ स्ट्रेट एंगल. इन फिगर एफ वी हैव टू एंगल्स, एंड इफ वी कंसिडर दिस एज अ बेस एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन ऑब्जर्व दैट दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. सिमिलरली इफ़ वी कंसिडर दिस एज अ बेस एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, अगेन ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से लेस है. सो एंगल्स विच आर स्मॉलर देन 90 डिग्री आर कॉल्ड अक्यूट एंगल्स. सो ओवर हेयर दिस एंगल इज एन अक्यूट एंगल.